हेलो यूट्यूब, आप देख रहे हैं आई गिक संधू। तो मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पर, जिस पर मैंने बताया था कि हम अपने फ़ोन पर कैसे जेल ब्रेक कर सकते हैं 9.2 से लेकर 9.3.3 पर। तो कुछ लोगों के उस वीडियो पर कमेंट आए थे कि भैया नहीं हो रहा है, उस पर एक एरर आती है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी एरर आती है कभी कभी फ़ोन पर। तो अगर आपके फ़ोन पर जो एरर आती है, अनेबल टू डाउनलोड ऐप पीपी जेलब्रेक कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड एट दिस टाइम, तो अगर आपके फ़ोन पर जो एरर आती है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको बता देता हूँ इस पर एरर को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। इसका सलूशन मैंने निकाला है अभी। तो अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप पर एक वेबसाइट को ओपन करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस पर जाकर आपने डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं मैं वीडियो में कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद जो आपने एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है, जो जेलब्रेक का पोंगू का सॉफ्टवेयर है उसको करना है, और सिंडिया इम्पैक्टर को डाउनलोड कर लेना है। तो उन दोनों सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं दिखा देता हूँ कैसे। और आपकी वेबसाइट जैसे ओपन होगी तो आपने इस पहले तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, IPA फाइल होती है। तो उसके बाद CDI इम्पैक्टर को पर क्लिक करोगे तो आपकी जो है एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो दिखा देता हूँ मैं। ऐसे आपने विंडोज़ पर क्लिक कर देना है अगर आप विंडोज़ चलाते हो। अगर मैक चलाते हो तो मैक आपके पास सभी ऑप्शन हैं। उसके बाद आपने दोनों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे, तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, CDI इम्पैक्टर को ऑन कर लेना है। मैं दिखा देता हूँ कैसे। तो पहले एक बात और, आपने क्या करना है, फ़ोन पर जो है पासकोड है उसको ऑफ़ कर देना है, पासकोड को ऑफ़ कर देना है, और जो है iCloud के फाइंड माई आईफोन को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है PC के साथ, और CDI इम्पैक्टर को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। CDI इम्पैक्टर का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो उसके बाद दिखा देता हूँ, थोड़ी सी वेट करिए। CDI इम्पैक्टर ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, IPA जो फाइल आपने डाउनलोड किया है उसको उस पर कॉपी कर देना है, CDI इम्पैक्टर पर जाकर छोड़ देना है। उसके बाद जो है आपको एप्पल आईडी मांगेगा। एप्पल आईडी के बाद आपने एप्पल आईडी भर देनी है और पासवर्ड भर देना है। तो मैं भर देता हूँ, वो भरने के बाद मैं वापस आऊँगा। तो वेट कीजिए, मैं अपना पासवर्ड भर रहा हूँ। तो आपने अपना पासवर्ड भर देना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो जो है प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है CDI। तो आप देखेंगे आपके फ़ोन पर जो पोंगू की ऐप है जो आ चुकी है। तो ये इंग्लिश में है दोस्तों, पहले तो जी वो चाइनीज़ में आती थी, अब इंग्लिश में आ चुकी है। तो आपने क्या करना है, इसके बाद आपने सेटिंग्स पर चले जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपने जर्नल पर जाना है। सेटिंग के बाद आपने जर्नल पर जाना है। जर्नल पर जाने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे मैनेजमेंट पर जाने के बाद आपने इसको ट्रस्ट कर देना है, जो पोंगू ऐप है उस पर ट्रस्ट कर देना है। जो आपकी ईमेल पर आएगी उस पर आपने ट्रस्ट कर देना है। ट्रस्ट करने के बाद आप बैक वापस जो है होम स्क्रीन पर जाएंगे, पोंगू पर क्लिक करेंगे। पोंगू पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपने इस स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है और आपको स्क्रीन को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाएगा। तो आप कुछ टाइम वेट करिए, ये आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है आप पर कितनी वेट होती है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है अनलॉक कर देना है। अनलॉक करने के बाद जो है आपका फ़ोन है वो रीस्प्रिंग हो जाएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको, आपका जो फ़ोन है रीस्प्रिंग हो जाएगा। ये है पोंगू जो इंग्लिश में है, तो आपने इसको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद आपका फ़ोन जो है रीस्प्रिंग हो जाएगा। देख सकते हैं फ़ोन रीस्प्रिंग हो चुका है। तो फ़ोन को रीस्प्रिंग होने के बाद आपका फ़ोन लॉक स्क्रीन पर आ जाएगा।
तो आपने लॉक स्क्रीन को अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद आप देखेंगे कि जो है सीडिया का आइकॉन है वो आपके फ़ोन पर आ चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फ़ोन पर सीडिया इंस्टॉल हो चुका है। तो सीडिया को ओपन कर लीजिए, तो आपको मैं दिखा देता हूँ जो सीडिया जो आपके फ़ोन पर आ चुका है, देख सकते हैं 9.3.3 पर जो इंस्टॉल हुआ है। तो आप ऐसे ही अपने फ़ोन पर सीडिया इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी भी अगर आपके फ़ोन पर कोई एरर आती है, अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो हमारे कमेंट पर जरूर लिख दीजिए, तो मैं उसका सलूशन ज़रूर निकाल दूंगा दोस्तों। और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।